लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तो राजमाता विजयराजे सिंधिया भी इस सीट से सांसद रह चुकी हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना टिकट विवेक शेजवलकर को दिया है तो कांग्रेस ने अशोक सिंह को। दोनों के बीच में मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर का है। लोकसभा चुनाव का जो सियासी समर है और उसमें अब चुनावी प्रचार अभियान उफान पर है, और इसी कड़ी में हम जैसा कि मौजूद हैं ग्वालियर लोकसभा सीट पर और रमौवा गांव पर। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जैसा कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं विवेक नारायण शेजवलकर जी हैं, तो वो एक बाकायदा उनका जो चुनाव प्रचार अभियान है वो उफान पर है, और जैसा कि वो मीटिंग ले रहे हैं, चौपाल ले रहे हैं, जैसा कि हम ग्रामीण एरिया में हैं तो मतलब चुनाव प्रचार अभियान है वो अब उफान पर आ गया है। और जैसा कि डोर टू डोर जा रहे हैं गांव में, जो उनका सबसे पहला जो मकसद है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जाके लोगों को मिला जाए और उसके बाद अपना जो चुनावी प्रचार अभियान है उसको जोर दिया जाए। जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये विवेक नारायण शेजवलकर जी हैं मौजूदा, ये अभी ग्वालियर से मेयर हैं और अब चुनावी मैदान में हैं ग्वालियर से। और आप देख सकते हैं कि अभी से कई सारे जो लोग हैं उनके पास पहुंचने लगे और उनका जो कैंपेनिंग है वो अब अच्छा खासा उफान पर भी है। और आप जैसा कि शेजवलकर जी सर सर तुम्हारे सब काम सर, आपका चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो गया है, कैसे देख रहे हैं और किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान? देखिए, दो मुद्दे हैं जो पिछले 5 महीने से जो कांग्रेस सरकार चल रही है उससे लोग बुरी तरह त्रस्त हैं। बिजली है नहीं, जो वादे किए थे लोन माफ हुआ नहीं, युवकों को भत्ता मिला नहीं, लोग बहुत नाराज भी हैं और बदला लेना चाहते हैं। सबसे अच्छा मौका उनके सामने ये है कि आने वाले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। पहले भी भाजपा की सीट यहाँ पर रही है, दोबारा हम जीतेंगे। 3 बार से बीजेपी के सांसद भी रहे हैं इधर से, तो कैसे इन बातों को लेकर चल रहे हैं आगे? देखिए, ये नगर निगम क्षेत्र में भी आता है और नगर निगम के क्षेत्रों की अनेकों योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 117 मकान गरीबों को मिले हैं और उन्होंने बनाए हैं, जो आज तक कभी पक्के मकान में रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक विकास का एक उदाहरण अगर मैं कहूँ तो हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में है, जहाँ पर एक ही छोटे से गाँव में 117 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से नगर निगम ने बनवाए। ऐसे अनेकों काम यहाँ पर चल रहे हैं। अमृत योजना में यहाँ पर काम चल रहा है, पीने के पानी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, नालियाँ और फर्शीकरण का काम यहाँ पर तेजी से चल रहा है। कुल मिलाकर के एक आदर्श गांव के रूप में इसको हम जल्दी विकसित करेंगे, ऐसी हमारी योजना। दूसरे, एक लंबा समय से आपका परिवार भी इस गांव की सेवा करता रहा है, ग्वालियर के सांसद भी रहे। मेरे पिताजी 2 बार सांसद यहाँ से रहे और ऐसे कई लोग मुझे मिल रहे हैं जिन्होंने पिताजी के साथ काम किया, उनका स्नेहपूर्ण आशीर्वाद सहयोग जब भी कभी मैं उनसे मिलता हूँ तो वो भी भावुक हो जाते हैं और वो तो ये मान रहे हैं कि वास्तव में उनको दोबारा मौका मुझे मिल रहा है, वो बहुत खुश हैं। कौन सी ऐसी मुख्य वजह मानते हैं जिससे जो वोट है आपकी ओर कन्वर्ट होगा, क्योंकि एक लोकसभा विधानसभा चुनाव में थोड़ा सा वोट बैंक भी कटा है? देखिए, 2 बातें, एक तो जो सरकार बनी है कांग्रेस की 5 महीने से उसके प्रति घोर नाराजगी, और दूसरी ये जो देश के अंदर मोदी जी ही केवल विकल्प हो सकते हैं, मोदी जी ही केवल देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ये लोगों में प्रचंड विश्वास है। और ये विश्वास केवल ऐसा नहीं कि आने हाल ही के 15 दिन का है, जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद का भार संभाला है और जैसे जैसे बाकी और जो पार्टियां हैं उनके ये देख रहे हैं
क्या राहुल की बात करें, क्या मायावती की बात करें, ये सारे के सारे नेता मोदी के सामने फेल है। ये ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र का एक एक नागरिक समझ चुका है। सर, दूसरा, अगर ग्वालियर के लोग आपको सांसद सुनते हैं तो क्या देने की कोशिश करेंगे आप सबसे पहले ग्वालियर को, एक लैंडमार्क को आपके लिए? देखिए, ग्वालियर के लिए सड़कों का जाल बिछाना ये हमारा मेन उद्देश्य होगा। मेरे सांसद माननीय नरेंद्र सिंह जी ने इसकी दिशा बहुत पहल की है। आज जो उनका काम बचा हुआ अधूरा है, मुख्य रूप से अगर रोड बनेंगे, रास्ते बनेंगे, तो रास्ते एक तरह से विकास की धमनियां होती है, उसी से क्षेत्र का विकास तेजी से होता है। मेरी प्राथमिकता सड़क और बिजली होगी। सर, पानी का जो क्राइसिस है उसको लेकर भी कुछ रहेगा? चंबल से पानी लाने का प्रयास कर रहे हैं नगर निगम के माध्यम से। अब शासन के मध्यप्रदेश शासन के हाथ में बागडोर है, वो भी हमारे हाथ में आएगा तो जल्दी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी के कैंडिडेट विवेक शेजवलकर जी हैं, और जैसा कि चुनाव प्रचार अभियान उनका जोर शोर पर है और लगातार उनका जनसंपर्क है, गाँव में चल रहा है और डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के बीच में मीटिंग कर रहे हैं, साथ ही जो चौपाल भी लगा रहे हैं और लोगों को बीजेपी की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, लेकिन रुझान क्या होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल चुनाव प्रचार अभियान है बीजेपी का, वो उफान पर है। लोकसभा चुनाव का जो सियासी समर है फिर से उफान पर है, और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक सिंह जी हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, चौपाल लग रही है, वहां पर सभाएं कर रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं अशोक सिंह जी। सर, इस बार किन मुद्दों के साथ, किन वादों के साथ चुनावी मैदान में है, क्या सर किन मुद्दों और किन वायदों के साथ चुनावी मैदान में है? हम कांग्रेस जो की रीति नीति है, सिद्धांत है, उसके आधार पे और पिछले 15 साल में प्रदेश में जो अव्यवस्था फैली, विकास अवरुद्ध हुआ, उस सबको लेके, और इसके साथ ही केंद्र सरकार की नाकामियां जो लगातार रही और उससे जनता परेशान रही, उनको लेके। सर, लगातार 3 बार से बीजेपी काबिज है, इस बार क्या ऐसी कोशिश रहेगी, किन मुद्दों के साथ मैदान में होंगे जिससे जो वोट है वो अपने आप कन्वर्ट कांग्रेस में करा? नहीं, देखिए, वोट ऐसे कन्वर्ट नहीं होता, जनता जिसको स्नेह देती है, प्यार देती है, उसको वोट मिलता है। और इस बार हमेशा भी मुझे जनता ने मुझे प्यार दिया, मेरा वोटों का प्रतिशत हमेशा बढ़ा है। 2000 मेरा ये चौथा चुनाव है और पार्टी ने मतलब मुझ पर काफ़ी विश्वास प्रकट किया है, तो हम लोग भी, हमारे हजारों कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं इस पुनीत कार्य में, जिस तरह से उन्होंने 15 साल की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंका और जनता ने भी स्नेह दिया हमें, और उसके बाद हम प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना पाए, उसी तरह से हम केंद्र में, आप देखना कि हम केंद्र में से भी इस भाजपा को उखाड़ फेंकें। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार में जो कमला सरकार है उसके कई सारे काम है, उसका भी लाभ मिलेगा इस लोकसभा चुनाव में? निश्चित तौर से मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने एक वचन पत्र दिया था कांग्रेस को, उस वचन पत्र में घोषणा पत्र ना देके वचन पत्र दिया था, और प्रदेश में ये इतिहास बन गया है कि उसका लगभग 70% जो वचन हमने दिए थे जनता को वो पूरे हो गए। क्या लग रहा है इस बार मुकाबला बीजेपी के जो विवेक शेजवलकर जी हैं वो आपके सामने कैसा देख रहे हैं, मुकाबला कितना है? इसका निर्णय 12 मई को जनता करने जा रही है, और मुझे विश्वास है कि जनता का प्यार समर्थन मुझे हासिल है, क्योंकि वो नगर निगम में के मेयर रहे, लोग नाखुश भी रहे, ऐसा तो क्या आपको कितना फायदा मिलेगा, कुछ लगता है क्या? क्योंकि शहर में अभी कई जगह मैं जा रहा हूँ और वहाँ मैंने देखा है कि नगर निगम के बहुत सारे काम नहीं हुए हैं, प्रदेश देश में हम 59वें नंबर में हैं स्वच्छता में, इसके साथ कई सारे काम हैं जहाँ सड़कें खुदी हैं, और उन सबको लेके जनता में, चूँकि लंबे समय से बीजेपी काबिज है नगर निगम में, तो नाराजगी है। तो अगर सांसद सुनती है आपको तो क्या एक रोड मैप बना कर चला है आपने कि ग्वालियर को क्या सोच के चलें कि अगर मैं सांसद बनता हूँ तो ग्वालियर के लिए खास करूँगा? मैं बिल्कुल निश्चित तौर से मैं ये वादा कर रहा हूँ कि ग्वालियर के विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं जो है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी जो सड़कें खराब हैं उनको ठीक करना, दूसरी प्राथमिकता होगी पेयजल की समस्या है उसको लेके भी मैं काम करूँगा, और मैं ये वादा कर रहा हूँ
आपके माध्यम से कि ग्वालियर में पेयजल की समस्या का समाधान मैं करके ही रहूँगा। एक उद्योग के मामले में बहुत ग्वालियर पिछड़ गया है, क्योंकि एक हब हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे मिलें बंद हो गई हैं, तो क्या स्टैंडर्ड रहेगा आपका? मैं पूछना चाहता हूँ, इन्वेस्टर मीट का क्या हुआ? कितने पैसे उस पर खर्च हुए? उस पर कितने लोगों को रोज़गार मिला? ये आप पूछिए और पता करके मुझे बताइए कि करोड़ों रुपए जो खर्च किए गए इन्वेस्टर मीट को लेके, उसका क्या हुआ? तो हम तो कराएंगे, लेकिन पिछले 15 सालों में क्या हुआ? तो मोदी सरकार, मोदी लहर थी, उस समय बहुत कम मार्जिन से रह गए थे, इस बार क्या लग रहा है, कैसा देख रहे हैं मोदी जी को? देखिए, पिछली बार जो हम कम मतों से अंतर से हारे थे, उसमें मेरा नहीं, इस सारे लोगों का मानना है कि मुझे टेबल पे हराया गया। क्यों भाई, ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो सभी लोगों की, हम तो चुनाव जीते थे लेकिन हमें टेबल पे हराया गया। खैर, कोई बात नहीं, इस बार जनता इतने मत देने जा रही है कि वो टेबल वाला काम भी खत्म हो जाए। कितना लीड लेके चल रहे हैं, इस बार जीत कितनी हो सकती है? ये बात मैं नहीं कह सकता, 12 मई के बाद आपसे बात करूंगा, लेकिन हाँ, ये मुझे पक्का विश्वास है कि जनता का प्यार और विश्वास मुझे हासिल है, और जनता मुझे, मतलब ये हमारे सारे लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अशोक सिंह जी थे, और जैसा कि अब ये चुनावी मैदान में है, लगातार चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है, और कई सारे मुद्दों को लेकर ये फिर से मैदान में है, और कह रहे हैं कि अगर जनता इन्हें चुनती है तो ये कई सारे मुद्दों और जो वायदे कर रहे हैं वो उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और ग्वालियर लोकसभा में एक नई विकास की इबारत लिखने की कोशिश भी करेंगे। रही प्रत्याशियों की बात, लेकिन वोटर्स क्या कहता है ग्वालियर लोकसभा सीट का, ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं। बाबा, कैसा लग रहा है इस बार का माहौल, क्या है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस है, ऐसे बता रहे हैं। कांग्रेस लेगी ज्यादा, वजह क्यों कांग्रेस? क्यों कांग्रेस का वोट देना ही है? कांग्रेस से कब जाए, कांग्रेस ही है प्रत्याशी का, जिस चारों का ना पहन भी दे, अब कितने तुम्हें याद नहीं हो सकते, जे भी हो जाओ। क्या लग रहा है बाबा, इस बार क्या मुकाबला, जो विवेक राणा शेजवलकर है बीजेपी से, अशोक सिंह है कांग्रेस से, कौन जीत रहा है, किसको लग रहा है माहौल? हमारी तो समझ में कुछ, हम तो नेतागिरी जानते नहीं है, तुम्हें सही बता, हमारी समझ में कौन से वोट कांग्रेस, कैसा माहौल लग रहा है आपको कि कांग्रेस का ही है? क्यों ऐसा, क्यों कांग्रेस को क्यों चुनना चाह रहे हैं, क्या है? वो इसलिए सुन रहे हैं कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया है गरीबों के साथ, और नाज का सबका अच्छा काम किया है कांग्रेस ने, इसलिए उनको वोट देना चाहती है जनता। तो क्या लग रहा है कि जो विवेक राणा शेजवलकर है बीजेपी से खड़े हुए अशोक सिंह, लग रहा है कि कांटे की टक्कर है दोनों के बीच में क्या? नहीं, कांग्रेस की जीतेगी, इसमें कांग्रेस ने किसान आदमी के लिए बहुत लाभ भी किया, धन्यवाद। चलिए, और भी लोग हैं भाई साहब, कैसा माहौल लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी ग्वालियर लोकसभा सीट पर, इस बार कैसा माहौल लग रहा है आपको? माहौल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने किसान आदमी के लिए बहुत अच्छा लाभ दिया है, और खाद का और सबका उसने पैसा माफ किया है। चलिए, और युवा है, आप कैसे दिख रहे हैं इस बार ग्वालियर लोकसभा सीट में, क्या बीजेपी या कांग्रेस क्या मुकाबला, जो बीजेपी के विवेक शेजवलकर है अशोक सिंह में? अशोक सिंह सांसद कोई भी हो, पर पीएम मोदी होना चाहिए, मोदी का काम अच्छा है। अच्छा, नहीं, अभी ग्वालियर लोकसभा सीट की बात करें तो इस बार कैसा माहौल लग रहा है, युवा किसको देख रहे हैं, बीजेपी को कि कांग्रेस को? कांग्रेस के, अब मतलब हमें तो सांसद कोई भी हो लोकसभा सीट से, पर पीएम मोदी होना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, कैसा लग रहा है इस बार का माहौल आपकी ग्वालियर लोकसभा सीट का, कहां जा रहा है कि कांटे की टक्कर है प्रत्याशियों की? कांटे की टक्कर तो है, लेकिन पीएम मोदी होना चाहिए, क्योंकि विकास तो बहुत कुछ किए हैं, रोजगार तो बहुत कुछ मिल गए हैं, और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो सभी काज, और बेरोजगार रख के ही कहाँ है, तो इसलिए बात करें अशोक सिंह की और विवेक शेजवलकर की, कांग्रेस और बीजेपी को कौन सी लग रही है आपको, कौन सी सीट निकल रही है इधर की? हमारी जहाँ से तो बीजेपी निकलेगी, बीजेपी निकलेगी। क्या लग रहा है भाई साहब आपको, क्या कांटे की टक्कर है क्या कांग्रेस और बीजेपी में? कहीं से कहीं कोई कांटे की टक्कर नहीं है, कांग्रेस लाखों वोटों से जीतेगी। ऐसे
चलिए आप देख सकते हैं हर लोग की अपनी अपनी सोच है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस है तो कोई कह रहा है कि बीजेपी है, तो ये भी है कि सांसद कोई भी हो लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, लेकिन ये तो 23 मई के नतीजे तय करेंगे कि ग्वालियर लोकसभा सीट किसके पाले में जाती है। लोकसभा सीट सिंधिया के गढ़ के रूप में जानी जाती है। इस सीट पर 8 बार कांग्रेस का कब्जा, 4 बार बीजेपी और 2 बार जनसंघ का कब्जा रहा है, लेकिन 2019 के चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद रोचक उछला है। बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार के नाम पर वोट मांग रही है तो कांग्रेस कमलनाथ सरकार के कामों को गिनाकर वोटर्स के पास पहुंच रही है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार सत्ता की चाबी वोटर्स किसको सौंपते हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।